दिस इज मनोज एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल लाइफ बाय स्टडी फन। सो गाइस, अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करूं तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ ईथर किया था बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आज हम लोग मूव करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे ईथर की बाय विलियमसन सिंथेसिस। गाइस, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार एग्जाम से पूछी गई है। गाइस, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं गाइस, इसमें हम लोग एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और ये एल्काइल हैलाइड होना चाहिए गाइस 1 डिग्री वाला, क्लियर है, प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं एल्कोक्साइड के साथ, एल्कोक्साइड के साथ हम इसे रिएक्ट कराते हैं, और जैसे ही हम इसे रिएक्ट कराते हैं ये क्या करता है, ईथर की फॉर्मेशन करता है। और ये ईथर कैसा होगा, ये ईथर दो टाइप का हो सकता है, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, सिमेट्रिकल ईथर भी हो सकता है, एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल ईथर भी ये हो सकता है। तो गाइस, विलियमसन सिंथेसिस में हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हैं। अब सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है जो आर ओ आर बनाता है, आर ओ आर, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव सी एच थ्री, ठीक है, वी हैव ओ एंड वी हैव सी एच थ्री, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप है, इट मींस ये है आर ओ आर विच वी कॉल सिमेट्रिकल ईथर। और अनसिमेट्रिकल क्या होता है, जो बनाते हैं आर ओ आर डैश, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव सी एच थ्री, वी हैव ओ, वी हैव सी टू एच फाइव। सो गाइस, आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन के अगल बगल दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, इट मींस यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर ये है। अब गाइस, रिएक्शन किस तरीके से होती है, रिएक्शन में हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपको जो एल्काइल हैलाइड लेना है वो हमेशा 1 डिग्री वाला होना चाहिए गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, मैंने लिया सी एच थ्री, वी हैव सी एच टू एंड वी हैव सी एल, ये है हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। जैसे मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा एल्कोक्साइड के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव सी एच थ्री, वी हैव ओ एंड वी हैव एन, इसे हम कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ हम इसे रिएक्ट कराएंगे। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है गाइस, आपको पता है क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव होता है, सोडियम का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से क्या होगा, NaCl बाहर हो जाएगा, ये रहा Na और ये रहा Cl, जैसे ही ये दोनों बाहर होंगे, NaCl जैसे बाहर होगा आप देखेंगे कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब बैक साइड से अटैक करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो विलियमसन सिंथेसिस है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और SN2 क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा और बैक साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो वी हैव CH3, वी हैव CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल ईथर की क्या हुई, फॉर्मेशन हो गई गाइस विद द हेल्प ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। चलिए बात करते हैं सिमेट्रिकल ईथर कैसे बनाएंगे, तो बड़ा सिंपल है, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CL गाइस, तो हमारे पास क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, हम इसे रिएक्ट कराएंगे एल्कोक्साइड के साथ। तो जैसे मैंने ले लिया CH3, वी हैव CH2, वी हैव O एंड वी हैव N, इसे हम कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। तो गाइस, जैसे हम इसे रिएक्ट कराएंगे ये क्या करेगा, आपको पता है सोडियम यहाँ पे पॉजिटिव है, क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्लोरीन नेगेटिव सोडियम के पॉजिटिव को NaCl के फॉर्म में बाहर करेगा। जैसे ये बाहर होंगे ये वाला ऑक्सीजन बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पे, इट मींस ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई बैक साइड से अटैक होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, तो वो कहलाता है SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे बनेगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, वी हैव CH2 एंड वी हैव CH3, तो आप देख रहे होंगे ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन हो गई है। तो याद रखिएगा विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, जब हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का क्या कराते हैं, एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो वो ईथर की फॉर्मेशन करता है। अब ईथर यहां पे सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, विलियमसन सिंथेसिस में हम दोनों को प्रिपेयर करते हैं, सिमेट्रिकल को भी और अनसिमेट्रिकल को भी गाइस। बट एक चीज याद रखना, हमेशा यहां पे आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब आपने इतना देख लिया, चलिए बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लूं या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लूं तो रिएक्शन कैसे होगी, किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। सो गाइस, अगर हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की जगह पे लेते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, जैसे वी हैव CH3, वी हैव CH, वी हैव CH3 एंड वी हैव क्लोरीन, आप देखेंगे कि ये है 2 डिग्री सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, लाइक CH3, वी हैव ओ, वी हैव Na, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं तो रिएक्शन कैसे होगी गाइस,
तो याद रखिएगा जब भी आप सेकेंडरी एल्काइलाइड लेंगे तो वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और क्या दिखाएगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करेगा। और जब भी आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करते हो आपको पता है एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, तो कैसे होगी, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा है, ये भी रहा आपका बीटा और ये भी रहा आपका बीटा, तो आपका अल्फा और बीटा से HCl बाहर हो गया। जैसे ही HCl बाहर होगा ये अपना बॉन्ड बना लेंगे अल्फा और बीटा के बीच में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3, आपको मिलेगा CH और यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2। तो गाइस क्या होगा, एल्कीन की यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी अगर आपके पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है या फिर 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करके अल्फा बीटा एलिमिनेशन दिखाएंगे और एल्कीन की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए गाइस बात करते हैं एक क्वेश्चन की। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, आपके पास आया CH3, आपके पास आया CH2, आपके पास आया Cl, ठीक है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं NaOCH3CH3 और वी हैव CH3। सो गाइस आप मुझे बताइए यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है गाइस, आप देख रहे हैं आपके पास यहां पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और आप उसे रिएक्ट करा रहे हो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सिंपल है, प्राइमरी अगर आपके पास है तो वो विलियमसन सिंथेसिस को फॉलो करेगा और इथर की फॉर्मेशन करेगा। तो ये रहा आपका पॉजिटिव, ये रहा आपका नेगेटिव, यहां से NaCl चला जाएगा बाहर और ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और क्या करेगा, CH3 we have CH2 we have O we have CH3 we have CH3 and we have CH3 guys। तो बड़ा सिंपल है, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए गाइस। अगर आपका अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शियरी है तो हमेशा एल्कीन की फॉर्मेशन होगी गाइस। वहीं पे आपका सोडियम एल्कोक्साइड 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हो सकता है, 3 डिग्री का भी हो सकता है। सो आई होप आपको विलियमसन सिंथेसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आगे वाली आने वाली वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक थैंक यू सो मच।